हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नए छत पर आ गया हूं और तीसरी मंजिल के ऊपर हम हैं एक छत पर। और यहां भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो सब्जियां हैं बेलदार है और दूसरे जो सब्जियां हैं वो बस शुरुआत हो रही है। तो चलिए, जिस भैया ने इस बगीचे की शुरुआत की है उनसे मिलते हैं और आगे की बातचीत उन्हीं से ही करते हैं। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपको भी भैया स्वागत है हमारी तरफ से। बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने जो गार्डनिंग की शुरुआत की है छत के ऊपर, तो मेरे ख्याल से नीचे जगह नहीं होगी और गार्डनिंग में इंटरेस्ट होगा तो आपने तभी शुरुआत की है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा सा ही सही लेकिन प्रयास अच्छा है। और मेरा भी यही काम है कि जो छोटा ही सही बट शुरुआत किया है तो उनके वहाँ जाऊँ और उनको इंस्पायर करूँ, अगर कुछ कमी हो रही है तो उसके बारे में बताऊँ। तो मैं इसी तरीके से विज़िट करता रहता हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा आना सुबह सुबह आपके घर में? बहुत अच्छा लग रहा है आपको आना सुबह सुबह और हमारे बगिया देख लीजिए। हाँ, क्या क्या कमी है वो हमें बता दीजिए। बिल्कुल, आप जो कर रहे हैं आपसे भी उपाय लेंगे और कहीं अगर कुछ कमी हो रही है या जो उपाय मुझे दूसरों से पता चला है तो बिल्कुल उस बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम और ये वीडियो हम कहां पर कर रहे हैं। ये दुर्गापुर नंबर एक है, मेरा नाम रतन कुमार ढाली है। ठीक, तो ये जो बागवानी आप कर रहे हैं लगभग कितने पहले स्टार्ट किया था इस छत पर? ये 2 साल पहले से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, लगभग 2 साल हुए हैं। हाँ, और 2 साल में जो है ये जो थर्माकोल की पेटी मैं देख रहा हूँ, हाँ, तो इन्हीं में ही कर रहे हैं? हाँ, इन्हीं में ही कर रहा हूँ। ये पेटियाँ आपको कहाँ पर मिलती है? ये बाजार से लाना पड़ता है। बाजार में मतलब कहाँ, किस दुकान पर मिलेगा? ये मछली बाजार में मिलता है। अच्छा, मछली बाजार की पेटी है ये जो फिश मेरे ख्याल से पैक होकर के आती है। हाँ, उसी का खाली पेटी है ये। खाली पेटी है, तो लगभग कितने में ये थर्माकोल की पेटी मिल जाएगी? ये 40 रुपए का मिलता है बाजार में। 40 रुपए की एक पेटी। हाँ, तो पुरानी ही मिलेगी? हाँ, पुरानी ही, नया ही रहता है, मतलब कहीं कहीं से फटा हुआ रहेगा। हाँ, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा सा छाक करके लाना पड़ता है। हाँ, ठीक। और ये जो आपने होल किया है तो ऐसे किनारे किनारे से किया है सुराग? हाँ, क्योंकि इसको में इसके अंदर जो पानी ज़्यादा डाला जाता है वो पानी बाहर निकाला है, इसीलिए सुराख करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग नीचे से करते हैं, आपने साइड से किया है, क्या कारण है? अब कोई वो अपना अपना मतलब इच्छा है, जो अपना बीच में से कोई सेत करे, मैं अपना बाहर से सेत कर दिया बाहर से। और इसका एक फ़ायदा भी है कि नीचे पानी जमा नहीं होगा, जो पानी है सीधा जो है सूखे हुए खाली छत पर आ जाएगा। हाँ, बाहर पानी जो है जल्दी सूख जाएगा। हाँ, जल्दी सूख जाएगा, बिल्कुल। और इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी पेटियों को आपने भरा है, तो जो मिट्टी इसमें बनाई है वो किस तरह से है, कि मतलब इसमें खाली मिट्टी है या कुछ और भी डाला है? नहीं, इसमें खाली मिट्टी नहीं है, इसमें मिट्टी भी है और ये जो सब्जियों का कूड़ा वगैरह घर का, ठीक, वही से डाला हुआ इसमें। मतलब जो सब्जियों के छिलके वगैरह है। हाँ, मैं देख रहा हूँ तो ये सब नीचे से डालते हैं? हाँ, ये सब डाल के इसका खाद बनाया गया है। ठीक, और गोबर का खाद भी आपने यूज़ किया? इसमें गोबर का खाद भी इसमें डाला गया और केंचुआ का खाद भी डाला गया। ठीक ठीक, तो सब बाकी इसमें कोई रासायनिक चीज़ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। ठीक, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सब्जी वगैरह आपने लगा रखा है और यहाँ तो जो है एक ट्रैप बना रखा है आपने, बिल्कुल जाल। हाँ, तो ये क्या, यही करेले के पौधे वगैरह इसको चढ़ाने के लिए? हाँ हाँ, करेले के पौधे वगैरह इसमें चढ़ाने के लिए। ये पौधा कब लगाया था, कितने दिन? अभी ये मतलब 25 दिन का हो गया पौधा, ये करेले का, और करेला इसमें आने भी लगा है। ठीक ठीक, ये दिखाई भी दे रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, छोटा, अभी छोटा है, मतलब अभी शुरुआत है ये। हाँ, ये शुरुआत है अभी। बहुत अच्छा, और ये देखिए लगा हुआ किसमें है, ये पेटी में और एक कोने में लगाया आपने? हाँ, ठीक, क्योंकि इसमें और भी सब्जियां लगा है ना। अच्छा, ये जो लगा हुआ है। हाँ, जिमीकंद। हाँ, जिमी। बहुत अच्छा, तो कितने पौधे लगाए थे जिमीकंद के? इसमें 2 पौधे लगाए थे। अच्छा, 2 ये जो लगे हुए हैं। हाँ, ये है,
तो इससे पहले भी आपने कभी लगाया है जिमीकंद? हाँ, इससे पहले पिछला साल लगाया था, इसमें दो पेड़ लगाया था, तो उसी से ये सारा पेड़ उसी से ही बन गया ये। आपके यहाँ पर मतलब उसका बीज तैयार हो गए? ठीक ठीक। अब उसी के बीज में से मतलब इस सब पेड़ियों में मतलब दो दो पीस लगा दिए। उधर भी जिमीकंद का पौधा मुझे नजर आ रहा है। हाँ। बहुत अच्छे हरे भरे हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हरे भरे हैं। तो सब जो है किचन वेस्ट ही है? हाँ, सब किचन वेस्ट का ही है। और कोने में जो है यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, ये क्या है? ये नींबू? ये नींबू का पेड़ है। इसमें पिछला साल बहुत नींबू लगा था, इस साल नींबू लगा नहीं इसमें। इस साल ऐसे भी जो है सभी जगह ऐसा हो रहा है। और नींबू में ये होता है कि कई वैरायटी ऐसे होती है कि एक साल नींबू अच्छा आया, फिर अगले साल बहुत कम आते हैं या किसी में नहीं आते हैं, और फिर जो है अच्छा आता है। हाँ, अभी ये बरसात तो के बाद नींबू आ जाएगा इसमें। जब भी लगाए तो मुझे जो है लगता है कि दो तीन पौधे अगर लगाए अलग अलग तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नींबू की ज़रूरत हमेशा हमें पड़ती रहती है। तो अलग अलग वैरायटी के होंगे तो अच्छा रहेगा। और ये क्या है, बैगन? हाँ, ये बैगन का पेड़ है। तो ये पहले का पेड़ है क्या? काफी। हाँ, ये पहले का पेड़ है, इसमें बैगन भी लगा था। अच्छा, बैगन लगे थे? हाँ, बैगन लगे थे। और ये है 8 इंच के एक गमले में होगा? हाँ, 8 इंच के गमले में। और मुझे दिखाई दे रहा है फूल वगैरह इसमें अभी भी आ रहे हैं बैगन के। हाँ। तो अगर बैगन नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से आप पॉलिनेशन कर सकते हैं कि जैसे फूल है और अंदर जो पीला जो भाग है, तो अगर इस तरह से आप दबा देंगे, कई बार होता है कि पॉलिनेशन की कमी होती है, मधुमक्खियाँ या तितली नहीं आती है, तो इस तरीके से अगर आप दबा देंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा और बैगन बनने लगेंगे। ठीक है। और इसमें जो है ये भी हो रहा है, आ रहा है फूल। ठीक, फूल आने लगा है। और ये क्या है जो गमले में यहाँ लग रहा है? ये अदरक का पेड़ है। अच्छा, अदरक भी इसी में लगा दिया? हाँ, अदरक भी इसी में लगा दिया। ठीक। और यहाँ जो है कुछ पपीते के पौधे मैं देख रहा हूँ गमलों में। हाँ, पपीते तो का पौधे है ये। गमलों में तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है पपीते का पौधा, इसके लिए काफ़ी छोटा हो जा रहा है ये गमला। अभी ये चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है। अच्छा, क्या पता इसमें हो जाए। ठीक, लेकिन मैंने देखा है कि इसके लिए थोड़े से बड़े गमलों की ज़रूरत होगी, क्योंकि पौधा काफ़ी बड़ा होता है, आपने देखा पपीते का, तो उस हिसाब से उसको हमें जगह देनी पड़ती है। और क्या लगा रखा है अभी इधर? देखिए, अभी खीरा भी इसमें आया, पहले बहुत खीरा था, अभी तो खीरा। अच्छा, ये खीरा भी आ रहा है? हाँ, खीरा भी आ रहा है, ये पुराना पेड़ है। ठीक ठीक। तो ये पहले भी खीरा यहाँ से तोड़ चुके हैं? हाँ, बहुत खीरा होता है इसमें, मतलब कम से कम 100 से ऊपर खीरा हुआ पेड़ में। अच्छा? इसी पेटी में ही? हाँ, इसी पेटी में। बिल्कुल, मतलब बहुत आश्चर्यजनक बात है, खीरा भी हो रहा है। अच्छा भैया, यहाँ पर ये जो है ये एक फल दिखाई दे रहा है, ये कौन सा फल? ये खरबूजा लगा हुआ है, खरबूजा है ये। अच्छा, बिल्कुल अलग तरह का लग रहा है खरबूजा। अभी ये कच्चा है, अभी पका नहीं, पकेगा तो बाजार में जो मिलता है वैसे ही दिखेगा बिल्कुल। अच्छा, ये पौधा है खरबूजे का? हाँ, ये खरबूजे का पौधा है। तो ये भी आपने ये भी पेटी में लगा हुआ है? इसी पेटी में यहाँ लगा दिया। हाँ। तो इसी में जिमीकंद हो रहा है, इसी में ये खरबूजे का हो रहा है। हाँ। और इसमें एक आलू का पेड़ भी है। अच्छा, वो बड़े वाले जो आलू होते हैं? हाँ, जो बड़े वाला आलू होता है वो आलू का पेड़ भी है, वो भी इसमें मुझे दिखाई दे रहा है दूर। एक एक साल में 3 किलो 4 किलो आलू भी बन जाता है इसी में। जो ये है, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है। तो एक ही पेटी में आपने इतना कुछ लगा दिया है, तो आपको नहीं लग रहा कि इससे जो पौधे को एनर्जी है थोड़ी सी कम मिल पा रही होगी? क्योंकि तो एनर्जी इनको डाला जा रहा है, केचुआ के खाद डाला जा रहा है। ठीक, एनर्जी के लिए। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो एक पेटी है उसमें अगर बेलदार पौधे लगा रहे हैं तो एक टाइप का लगाते हैं तो पौधा ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। बाकी इसमें जो फल आ रहे हैं, ये चिचिंगा है ये। ठीक ठीक। अभी ये पुराना हो गया पेड़, बहुत पहले बहुत बढ़िया हुआ, अभी थोड़ा पेड़ बुढ़ा हो गया, इसलिए ये छोटा छोटा हो रहा है। ठीक ठीक, इसकी एज भी हो गई है। हाँ। काफ़ी, तो पहले बड़े बड़े आए थे? पहले बड़े बड़े आए थे, उसके बाद अभी ये छोटा हो गया, तभी ये थोड़ा सा फल टेढ़ा मेढ़ा भी मुझे लग रहा है कि पुराने जब पौधे हो जाते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। बाकी अगर सब कुछ सही है और शुरू से फल टेढ़े मेढ़े अगर आते हैं
तो ऐसे में कई बार बोरोन की कमी होती है, जिसको कि बोरोन का स्प्रे करके या उसको पानी में घोल करके आप अगर पौधे में देंगे नीचे ज़मीन में, तो उसमें भी ये चीज़ें सही हो जाती है। ठीक है, फिर अभी हमने उसमें कुछ डाला नहीं, ऑर्गेनिक चल रहा था। ठीक ठीक, ये भी जिमीकंद का ही है। हाँ, ये भी जिमीकंद का ही है। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है पौधा। हाँ, इसमें कम से कम एक एक जिमीकंद इसमें होंगे कम से 6 से 7 किलो तक होगा वजन। और देखिए इसकी मोटाई जो है कितनी है ये, और ये दो जो है पौधे हैं, और देखिए कहाँ तक कितनी मोटाई में है ये, और इधर ये भी है। हाँ, ये भी है। तो इसमें तो काफ़ी बड़े बड़े जिमीकंद हो जाते होंगे। हाँ, इसमें ये जो बड़े पेड़ है इसमें कम से कम 6 से 7 किलो का होगा एक एक। ठीक ठीक, और ये इसमें भी अदरक भी है आप? हाँ, अदरक भी है इसमें, मतलब मिक्स आपने लगा रखा है। हाँ, कहीं भी अदरक डाल दिया, कहीं भी जिमीकंद डाल दिया। और ये है लोबिया का पेड़। अच्छा, ये लोबिया का ये चल रहा है पूरा? हाँ, ये पूरा लोबिया का पेड़ चल रहा है। तो अभी तक अभी इसमें लोबिया अभी 1 महीने के बाद ही इसमें लग पाएगा। अच्छा, अगले महीने से शुरुआत हो जाएगी। हाँ, शुरुआत अभी ग्रोथ जो है पौधे की चल रही है। हाँ, तो अभी कोई लगाना चाहे लोबिया को तो लगा सकते हैं? लोबिया अभी 1 महीने बाद लगेगा, तो उसमें बहुत अच्छा ही लोबिया होगा। अच्छा, मतलब बारिश के सीजन बारिश का सीजन थोड़ा ख़त्म होते ही लोबिया लगाए तो अच्छा होगा। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। और ये जो आपने जाल लगाया है, तो ये खुद बनाया या खरीदने के लिए ये मिल जाता है? नहीं, ये खरीदने के लिए मिल जाता है। ठीक ठीक, तो कहाँ मिल सकता है ये सब? ये मार्केट में मिलेगा, जाल वाले दुकान पे। अच्छा, इतने बड़े बड़े भी होते हैं? हाँ, इतने बड़े बड़े खाने भी होते हैं, इससे बड़ा खाने का भी होता है। तो ये लगभग मतलब इसका क्या हिसाब होता है कि कितने मीटर का होता है और कितने? ये 400 रुपये किलो जाल है। अच्छा, 400 रुपये किलो, और 1 केजी में तो फिर बहुत ज़्यादा। 1 केजी में बहुत होगा। ये जो हमारे जाल लगे सब यहाँ पे, मान लो जिसमें ये बेलदार सब्जी चढ़ा है। ठीक ठीक, ये 300 ग्राम जाल है। अच्छा, 300 ग्राम जाल में, और इतना कुछ हो गया इधर? हाँ, इतना कुछ हो गया, ये पूरा कवर हो गया। हाँ, कवर हो गया, और इधर भी यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर भी है। इसका मतलब 300 ग्राम में तो आपके बहुत कम पैसे खर्च हुए होंगे। हाँ, कम पैसे खर्च हुआ है, क्योंकि जैसा आप इसका रेट बता रहे हैं 400 रुपये के जी। हाँ, 400 रुपये के जी। तो 300 ग्राम इसका मतलब 120 रुपये खर्चा केवल। बहुत ही कम, जबकि हम अगर डोरी या रस्सी खरीद करके ऐसे बनाने जाए तो मेहनत भी काफ़ी होती है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और पैसे भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो अच्छा है कि इस तरह के जाल को हम ले लें और इसका यूज़ करें। तो ये इसकी लाइफ तो काफ़ी होती होगी? ये इसका लाइफ है 3 साल जाल की। अच्छा, 3 साल? हाँ, एक बार लगाओगे 3 साल तक इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो मैंने नई चीज़ देखी है आज, और 3 ईयर, जबकि कोई भी डोरी वगैरह भी इतना नहीं चलता। ना, नहीं चलता, ये दूसरा होता है, रेशम धागा होता है सबसे मजबूत वाला। ठीक, और ये जो है स्ट्रॉबेरी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ लगा हुआ। हाँ, स्ट्रॉबेरी भी है। स्ट्रॉबेरी अभी मतलब ठंड के मौसम में लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है, इसमें बहुत लगे थे स्ट्रॉबेरी। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी जो है इस पेटी के किनारे किनारे से आपने लगाया है। हाँ। और बीच में जो है जिमीकंद है। हाँ। इससे स्ट्रॉबेरी जो है झूल करके नीचे आ रहा है और मिट्टी में ये टच नहीं हो पा रहा है। ना, मिट्टी में टच नहीं हो रहा, ये झूल के सब नीचे जाता और है। इससे जो है सड़न वगैरह भी नहीं होती स्ट्रॉबेरी में? ना, सड़न भी नहीं होता। और स्ट्रॉबेरी बड़ा बड़ा होता है, बीच में होगा तो मिट्टी में टच करेगा तो उससे सड़ते हैं। सड़ता है। तो आए थे स्ट्रॉबेरी इसमें? इसमें बहुत स्ट्रॉबेरी आए थे, ये 2 साल से इसमें स्ट्रॉबेरी लग रहा है। और एक पौधा और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या है? ये अनारस का पेड़ है। अच्छा, अनानास। हाँ, अनारस का पेड़ है। अभी ये लगा है मतलब 2 से 3 महीना हुआ है। तो ये क्या पौधा लाए थे? हाँ, ये पौधा लाए थे। ये नर्सरी का ही या कहीं और से? हाँ, नर्सरी से पौधा लाए थे। अच्छा अच्छा, पौधा ला करके आपने लगा दिया। हाँ, ये पहली बार है अनानास? पहली बार। हाँ, और इधर दिखाई दे रहा है तो गुड़हल का फूल भी आप यहाँ पर आपने लगा रखा है? हाँ, इसमें फूल भी लगा दिया। इसी में ही आपके ये करेले के पौधे? हाँ, इसी में ही करेले का पौधे भी है।
अच्छा भैया, यहाँ गमले में कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये गमले में मिर्चा का पेड़ लगा है। अच्छा, मिर्च ही है, इसके पत्ते थोड़े से अलग टाइप के मुझे लग रहे हैं। हाँ, ये मिर्चा है। अच्छा, और ये सीमेंट के गमले में ही लगा हुआ? हाँ, ये सीमेंट के गमले में ही लगा हुआ है। लगभग 10 इंच 8 इंच ऐसे ही गमला होगा ये भी? हाँ। और इसके किनारे जो है और एक गमला मैं देख रहा हूँ, डिजाइनर गमला। हाँ, ये गमला बनाया गया है तौलिया से। अच्छा, आपने ही बनाया है? हाँ, ये हमने ही बनाया, तौलिया से, सीमेंट से और तौलिया से। बहुत इसमें अच्छा। रेता बजरी कुछ नहीं है, केवल सीमेंट और जो बचा हुआ जो तौली जो फेंक देते हम, उसी तौली से बना हुआ है गमला। उसको सीमेंट के घोल में डुबो करके हाँ, किसी डिब्बे के ऊपर आपने रखा होगा? हाँ, किसी डिब्बे के ऊपर रख के ये डिजाइन बना दिया, बाद में उसको निकाल दिया, बाद में डिब्बा को निकाल दिया ये। तो बहुत लोग ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, एक वीडियो भी मेरे चैनल पर है इसको लेकर के। तो ये अधिकतर लोग कहते हैं कि नर्म होता है, टूट जाते हैं, तो नहीं? देखिए, ये 1 साल से बना हुआ है, इसमें मिट्टी भी था, मिट्टी हमने खाली करके फिर दोबारा से नया मिट्टी डालेंगे इसमें। ये देख लीजिए, टूटेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। सीमेंट वाला गमला टूट जाएगा पर ये टूटेगा नहीं। ठीक, तो ये ऊपर से दोबारा से आपने ब्रश से सीमेंट लगाया था क्या, घोल? हाँ, घोल इसके बाद में, मतलब पहले घोल इसको डुबोया, फिर बाद में इसको, बाद में दोबारा भी इसमें घोल लगा दिया। दोबारा एक दो बार करते हैं तो ज्यादा मजबूती मजबूती हो जाता है। तो यही चीज अधिकतर लोग नहीं करते, एक बार ही जो है डुबो करके उठा देते हैं और उसमें थोड़ा सा मजबूती कम। इसमें आपको केवल 2 से 3 रुपए खर्चा आएगा। बिल्कुल, बहुत कम सीमेंट की जरूरत, कम सीमेंट की जरूरत है, और रेता वगैरह तो चाहिए ही नहीं। 1 किलो सीमेंट में आप 5 गमला बना पाओगे। बिल्कुल, और ये भी घर में तैयार किया? नहीं, ये तो खरीद के लाया था, एक एक गमला 40 रुपए का। अच्छा, ये खरीदा हुआ है? हाँ। और ये जो पेटी है थर्माकोल की, तो इसमें तो बहुत अच्छा हो रहा है ये जो। हाँ, इसमें भी ये मिर्चा का पेड़ लगा है, और मिर्चा आने वाला भी फूल आ रहा है इसमें। ठीक, और यहाँ से जो है एक करेला का पेड़ भी इसमें लगा हुआ है, और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा बिल्कुल हरा भरा है, एकदम हरा भरा। और करेला भी इसमें आने लगा है अभी, ये छोटा छोटा बनना शुरू हुआ है यहाँ पर, ये बन रहा है, ये देखिए करेला, ये छोटा छोटा आने शुरू हो गया। ठीक ठीक, ये है। हाँ, करेला आने शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, तो ये मिट्टी तो आपकी बहुत ही अच्छी लग रही है, और इसमें मिर्च के पौधे, आलू के पौधे ये भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो बड़े वाले आलू। अब ये मिट्टी भी हमने बनाया उसी से, जो वेस्ट कूड़ा, हाँ, किचन वेस्ट होगा, जो कूड़ा कबाड़ होता है उसी से बनाया गया मिट्टी। और ये खीरा का पेड़ भी देखिए चल रहा है इतना अच्छा, उसमें खीरा अभी आया नहीं, पर खीरा आने वाला है। ये पेड़ देखिए, ये फूल भी आने लग गया, इधर भी लगा दिया। तो ये कौन से पेटी में लगा हुआ है? ये इसी पेटी में नीचे, जिसमें जिम्मी का पेड़ लगा है उसी में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, नीचे जो जिमीकंद है तो वो, और ये खीरा, इसमें तो पूरा फूलों से भरा हुआ है ऊपर। हाँ, पूरा ऊपर भरा हुआ है, इसमें खीरा भी आने वाला है। और देखिए इधर से भी वही ट्रैप इन्होंने लगा दिया है। और ये मैं दिखाऊं, नीचे जिमीकंद के पौधे हैं, खीरे का पौधा है, बड़ा आलू है, सब कुछ लगा रखा है एक ही पेटी में। और एक चीज़ मैं दिखाई दे रहा हूँ, फिरोमेन ट्रैप यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, जो कीड़ा सब इसी के अंदर आ जाते हैं, ये जो पीला रंग है इससे अट्रैक्ट होकर के आते हैं। तो ये कितने पहले लगाया था आपने? ये शुरू में मार्च में लगाया था, मार्च में। हाँ, तो ये परमानेंट ही रहता है काफी? हाँ, परमानेंट ही रहता है, इसके अंदर कीड़ा अपने आप इसके अंदर ही चला जाता है। ये कीड़े जो है इकट्ठे हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो फलों में छेद करते हैं, तो उससे हाँ, जो है हमारे फ्रूट्स बच जाते हैं, और दवाइयों का यूज़ हमें फिर कम करना पड़ता है। तो ये लगभग कितने का आ जाता होगा मार्केट में? ये 100 रुपये का लिया। अच्छा, 100 रुपये का आता है। हाँ, और कितने टाइम तक चल जाता है ये? 5 से 6 महीने तक चल जाता है। 5-6 महीने तक काम करता है। हाँ, इसमें जैसे खीरा लगता है तो खीरे में जो मतलब वो डंक मारता है, ठीक, इसे उसको बचाने के लिए ये डिब्बा लगाए गए हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए एक हट जैसा इन्होंने बना दिया है, और पुराने सरिया का यूज़ किया है आपने। हाँ, और सरिया लगाने का भी तरीका देखिए, कोई पिलर का यूज़ नहीं किया, नीचे जो है इस तरह से बाल्टी जो है पुराना रखा, उसमें इस तरह से सरिये को लगाया, पूरा जो है सीमेंट और रेता जो है मिला करके मसाला बना करके उसको डाल दिया। तो ये तो बिल्कुल हिलेगा नहीं ना, हिले इतना आंधी तो ऊपर में कुछ नहीं हुआ।
बहुत भारी है, तो दोनों तरफ यही चीज आपने कर रखा है, उस साइड भी ऐसे ही कर रखा है। हाँ, ये लेवन ग्रास का पौधा है। अच्छा, ये घास जैसा है, ये घास है? हाँ, ये घास जैसा है। तो इसका कुछ यूज है? हाँ, ये जो ये चाय बनता है तो चाय में डाला जाता है, जिसका सर्दी खांसी जुकाम होता है वो सही हो जाता है। इनकी पत्तियों को डालते हैं? हाँ, इनको पत्तियों को चाय में डाला जाता है। तो कुल मिलाकर के एक मेडिसिन का काम भी ये लेमन ग्रास करता है। तो इसको तो एक बार लगा देंगे तो कभी फिर खत्म नहीं ना, एक बार लगा दो ये खत्म नहीं, खाली पानी डालो, इसमें कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा भैया, ये जो नीचे आपने लगा रखा है जहाँ से घर की एंट्री है, तो एंट्री में ही ये पौधा लगा रखा है, कौन सा पौधा है? ये सिम्मी का पेड़ है, जो इसमें अगरबत्ती भी लगाया जाता है, पूजा पाठ भी किया जाता है। ठीक, काफी शुभ होता है शमी का पौधा। हाँ, घर में लगाने पर शमी का पौधा शुभ होता है। और काफी अच्छे जो फूल है वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें फूल भी बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए आप भी, फूल बहुत अच्छा है, रंग बिरंगे फूल भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, रंग बिरंगे फूल भी होते हैं इसमें। और देखिए, ये जो है पूरा गांव है चारों तरफ से, और गांव में अधिकतर लोग तो छत पर नहीं करते, जगह होती है, लेकिन आजकल आपको पता है कि गांव में भी जगह की कमी हो गई है, और जो लोग हैं धीरे धीरे अब जो है बागवानी की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है चारों ओर से देखने के बाद, आपका घर जो हरा भरा थोड़ा बहुत अभी दिखना शुरू हुआ है। अच्छा भैया, जो आप यहाँ बागवानी कर रहे हैं, तो इसमें तो सुबह शाम आपको समय देना पड़ता होगा? हाँ, सुबह शाम एक एक घंटा समय देना पड़ता है। और जो दिन के समय है तो उस समय क्या करते हैं? जो दिन के समय होता है वो बाकी समय अपने दुकानदारी देखना पड़ता है। अच्छा, दुकान भी है आपकी? हाँ। और इस काम में घर में और कोई हेल्प करते हैं आपकी? घर में हमारे पत्नी है। तो दीदी, आप बहुत अच्छा लग रहा है, तो पूरी तरह से हेल्प होती है भैया की? हाँ। बहुत अच्छा कि अगर थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो, मुझे नहीं लगता कि ये जो छत में अभी अभी इन्होंने शुरुआत की है तो, और बहुत सारी जगह इसमें खाली है तो उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आगे से अब जो है बिल्कुल दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, बागवानी को और बढ़ाएंगे, यही उम्मीद करता हूँ। और आज के वीडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।